तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है रोशन पटेल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कि वीडियो को ऑटो स्कैन किस तरीके से करते हैं, और हम ये भी बताने वाले हैं कि बेडिंग या सिनेमैटिक टीजर में वीडियो को ऑटो स्कैन करके फास्ट एडिट किस तरीके से करते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब प्रीमियम प्रो को ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं प्रीमियम प्रो ओपन हो रहा है। ओपन होने देते हैं इसको। और आप लोग को क्या करना है, एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। मैं एक क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, देख सकते हैं आइकन आ गया। अब इसको कंट्रोल एन प्रेस करके एक सीक्वेंस बना लूंगा। देख सकते हैं एक सीक्वेंस बन गया। अब इसके अंदर स्टार्टिंग में क्या करना होगा आप लोग को, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक आइडियो है, ये आप देख सकते हैं ये आइडियो है ये। तो इसको क्या है, ड्रैगन ड्रॉप करूँगा। तो इसको इस तरीके से पकड़ के प्रीमियम प्रो को अंदर ले जाके इस तरीके से छोड़ देना है। तो देख सकते हैं ये ड्रैगन ड्रॉप हो गया। ये छोटा दिख रहा है ना, तो ये आइकन है, यहाँ से आप बड़ा कर सकते हैं इसको इस टाइप। तो चलिए मैं इतना रखता हूँ, और इसको क्या है टाइमलाइन पे ड्रैगन ड्रॉप कर लेता हूँ इस तरीके से। अब देख सकते हैं साउंड इफेक्ट आ गया। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर मैं वीडियो इनपुट करूँगा। तो एक न्यू बिन बना लेता हूँ, और इस टाइप पे डबल क्लिक करके इसके अंदर देख सकते हैं ये कुछ वीडियो है। तो मैं इसके अंदर अभी ओपन कर लूँगा इस तरीके से। ओके, आप लोग को भी इस तरीके से कर लेना है जो भी अच्छा क्लिप लगे हो। ओके, मैं थोड़ा ही ले रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, जो आप लोग को बता सकूँ इस टाइप। ओके, अब क्या करना है, ये आपका एक साउंड इफेक्ट है, कहने का मतलब सॉन्ग है। अब इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, डबिंग करूँ। तो देख सकते हैं बीट बाय बीट आपको किस तरीके से करना है वो मैं बताऊंगा आपको। देख सकते हैं एक यहाँ से एक बीट स्टार्ट हो रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे इम्प्रेस करना है। ओके, तो ये मार्क आ जाएगा इम्प्रेस है। तो देख सकते हैं यहाँ से फिर भी टर्न सा बीट आ रहा है, सेकेंड इम्प्रेस करके कर देना है यहाँ पे भी इस टाइप पे। ओके, इस जगह पे भी सेम ही करना है आप लोग को, देख सकते हैं ऐसा। इस तरीके से करना है, देख सकते। मैं इतना कर दिया एग्जांपल के लिए। मैं अभी इसको ऑटो स्कैन करके बताऊंगा। तो क्या करना है, आपको ये सिलेक्शन कर लेना है सॉरी आइडियो को, और यहाँ पे बीन में जाके कंट्रोल ए कर देना है। ओके, तो ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसको क्या है, टाइमलाइन को जो आगे मार्क है ये, इसको स्टार्टिंग में ले आना है इस टाइप पे। ओके, इसके बाद आपको क्लिप में जाना है ये यहाँ पे। इसके बाद देख सकते हैं ये नहीं आ रहा है। ओके, तो इसको क्या करना है, सॉरी मैं इनेबल था उसको डिसेबल कर दिया। इसको क्या है, कंट्रोल ए प्रेस करके इसको अब देख सकते हैं इसमें बीन में जाके कंट्रोल ए प्रेस करना है, नहीं आएगा तो फिर वापस। अब देख सकते हैं ऑटो टू सीक्वेंस। ओके, आ गया। तो आपको सेटिंग क्या रखना है, पहले आपको स्टार्टिंग में ये सिलेक्शन ऑर्डर। ओके, और आपका स्टार्टिंग में ये रहेगा, फर्स्ट नंबर पे ये रहेगा। तो आपको क्या करना है, इसको कर देना ऐड। ओके, इसके बाद आपको ऐसा रहेगा, ऐसा दिखेगा। तो क्या करना है, इसको ऑडियो पर क्लिक कर देना है, वीडियो भी नहीं करना है, ऑडियो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ई नॉट यूज ई नॉट रेन। तो क्या करना है, ई नॉट पे प्रेस कर देना है। उसके बाद ओके, जैसे ही प्रेस करेंगे ना, तो देख सकते हैं इसको मैं दूर ले जा रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा टाइमलाइन पे। ये जो वीडियो है ना, ऑटोमेटिक टाइमलाइन पे आ जाएगा बीट बाई बीट के अनुसार। जो भी मार्क लगाएंगे ना, सॉरी मार्क लगाए ना, उसके ऊपर बीट बाई बीट ये ड्रैगन ड्रॉप हो जाएगा। तो देख सकते हैं ओके प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आ गया। तो अभी मैं इसको सॉरी ये बड़ा हो गया, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। इसको देख सकते हैं बीट वाई बीट आ गया है, ये आप देख सकते हैं बीट वाई बीट है। इस तरीके से आप क्या है कि बीट वाई बीट करिएगा ना, तो ये फास्ट आएगा ऑटो स्कैन में। तो समझ में नहीं आएगा तो फिर से रिफ्रेश करके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा इस तरीके से। देखिए देख सकते हैं,
तो थैंक यू सो मच, बस आज के लिए इतना ही था।